जय श्री कृष्णा। डीवी भारती समाचार चैनल पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र वेदी शास्त्री, राजगढ़ झांसी। सबसे पहले राशि है मेष। मेष राशि वालों को आपको आज के दिन कहीं आप घर से बाहर जा सकते हैं अथवा अटका हुआ काम या व्यापार आप प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरी राशि है वृक। वृक राशि वालों को भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति एवं स्थानांतरण जैसे योग भी आपको आज के दिन बन रहे हैं। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को आपको आज के दिन कृषि माने भूमि से संबंधित कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को आपको आज के दिन आप किसी बिजनेस व्यापार के सिलसिले में देश से विदेश अथवा अपने प्रदेश से अन्य प्रदेश जाने की भी योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को आपको आज के दिन मानसिक तनाव बेचैनी कम हो सकती है एवं कुछ महीने पहले जो काम आपका अटक गया था वह काम सिद्ध और संपन्न हो सकता है। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वालों को आपको आज के दिन किसी व्यापार के सिलसिले में आप बाहर जा सकते हैं अथवा आपका स्वास्थ्य कुछ उतार चढ़ाव भरामय रह सकता है। सातवीं राशि है तुला। तुला राशि वालों को आपको आज के दिन कोर्ट कचहरी जैसे मुकदमों पर विजय प्राप्त होगी एवं कोई नई शुभ सूचना अथवा नया काम शुरू कर सकते हैं। आठवीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को भाग्य का उदय होगा, नए पद की प्राप्ति अथवा आप किसी पद पर पूर्व से ही प्रतिष्ठित हैं तो नए पदोन्नति की प्राप्ति हो सकती है। नवम राशि है धनु। धनु राशि वालों को आपको आज के दिन स्वास्थ्य को लेकर के कोई मानसिक तनाव बेचैनी हो सकती है, घर परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। दशम राशि है मकर। मकर राशि वालों को आपका राशि से स्वामी शनि है, आप नीलम नाम व्रत धारण करें जो कि आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम कारक रहेगा। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को आपको आज के दिन भाग्य का उदय हो सकता अथवा भाई से घर से सहयोग प्राप्त भी होगा, ऐसा योग आपको बन रहा है। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वालों को आपको आज के दिन पूर्ववत किसी पद पर प्रतिष्ठित थे तो नए पद की प्राप्ति होगी, स्थानांतरण जैसे योग आपको आज के दिन बन रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ वृंदवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।